हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग का ना हो के आज हम लोग थियोरी का एक टॉपिक लेके आ रहे, जो कि हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी देख लेंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, और मोस्टली जो बच्चे एंड रिवीजन करते तो उनके लिए सिर्फ एक सुनना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो आप सुन के इस टॉपिक के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, तो हम लोग ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, टू कंज्यूम में हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नॉर्मल कंजप्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली जो है दोनों को हम लोग सिमेट्रिकली यूज़ करते हैं, या दोनों का मोस्टली डेफिनेशन सब लोग एक ही मानते हैं कि कंजप्शन भी सेम रहता है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी सेम रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं, दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हम लोग सबसे पहले वो डिफरेंस देख लेंगे। कंजप्शन मीन्स अमाउंट स्पेंड ऑन कंजप्शन एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। कंजप्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो इनकम आती है उस इनकम में से तुम कितना पैसा कंजप्शन के लिए यूज़ करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन बोलते हैं। कंजप्शन मतलब खरीदने के लिए, ठीक है। वाइल द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर टू द चेंज इन द लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। जबकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या बताती है, अगर हमारी इनकम थोड़ी बहुत भी चेंज होती है तो हम लोग कितना चेंजेस करते हैं हमारे कंजप्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो दोस्तों, हमेशा हम लोग जब भी एज अ कंज्यूमर हम लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो हमको इनके बीच का डिफरेंस जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी वजह से आप अभी कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप अपने लिए क्लैरिफिकेशन रख लीजिएगा कि कंजप्शन का मतलब क्या होता है। तो आप अपनी इनकम कितने सामान के लिए डाल रहे हैं या खरीदने के लिए पैसे जो खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन। जबकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है आपकी इनकम की जो लेवल बढ़ गई, घटेगी या बढ़ेगी, तो उसके बदौलत आप अपने खर्चे कितने कम या ज़्यादा करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से एक एग्जाम्पल से, छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ टोटल इनकम ऑफ ₹5,000 करोड़, इफ़ ₹4,000 करोड़ स्पेंड ऑन द कंजप्शन, देन ₹4,000 करोड़ रिप्रेजेंट कंजप्शन। But if we draw up a consumption schedule showing the changing consumption as a result of change in income, then this schedule is called the propensity to consume. अब इन्होंने example काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि अगर आपकी income 5,000 है, उसमें से आप 4,000 जो है consumption के लिए use करते हो, तो वो 4,000 आपका क्या हो जाएगा, consumption हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो वो शेड्यूल डायग्राम में चेंज होगा, और वो कंजप्शन नया हम लोग कर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। और हम लोग के प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज है, दो मेथड्स है। एक हम लोग का रहता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज का मतलब होता है हम लोग टोटल कितना कंजप्शन कर रहे हैं एवरेज में, उसको हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है सी डिवाइड बाई वाई। फिर सेकेंड हम लोग का है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी हमारा क्या रहता है, चेंज इन इनकम, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे मैं सी अपॉन वाई डायरेक्टली लिखी हूँ, आपको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता देती हूँ। सी मतलब हमेशा हमारा इकोनॉमिक्स में जो है सी रहता है कंजप्शन, और वाई हमारा रहता है इनकम, ठीक है। इसकी वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में सी अपॉन वाई है, मतलब कंजप्शन डिवाइड बाई इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारा है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसका मतलब है चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। हाँ दोस्तों, इकोनॉमी में जब भी डेल्टा यूज़ होता है तो आपको ये ध्यान में आ ही जाना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करते हैं चेंजेस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कुछ इफेक्ट्स पड़ सकता है। इसमें दो पार्ट है, एक हम लोग का सब्जेक्टिव फैक्टर रहता है और दूसरा हम लोग का ऑब्जेक्टिव फैक्टर रहता है। सब्जेक्टिव फैक्टर आप इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो हम लोग की डे टू डे ज़रूरत रहती है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर। इसमें हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि मोटिव ऑफ प्रिकॉशन, मतलब कोई कोई लोग ऐसा चाहते हैं कि आगे हम लोग को मतलब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैसे बचा के रखते हैं, मतलब उनकी जो भी इनकम रहती है वो थोड़ी बहुत वो सेविंग में डालते रहते हैं। सेकेंड, मोटिव ऑफ फॉरसाइट। फॉरसाइट का मतलब हम लोग का ये रहता है ओल्ड एज के लिए पैसे जमा करना, बच्चों के लिए पैसे जमा करना, या खुद के एजुकेशन के लिए पैसे जमा करना,
जहाँ तक लोगों को ऐसा लगता है कि हम ये पैसे तुरंत एक साथ नहीं जमा कर सकते, तो वो क्या करती है, उनकी जो भी इनकम रहती है वो धीरे धीरे साइड बाय साइड सेव करती जाती है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मोटिव ऑफ फॉरसाइट। थर्ड हम लोग का है मोटिव ऑफ कैलकुलेशन। कभी कभार इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हम लोग पैसे खर्च करने की जगह पे वो सेविंग को यानी वो इनकम को हमने पैसे बचा के रख दिए तो हम लोग को इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाएगा, तो हम लोग क्या कर देते उस इंटरेस्ट को सेव करके रखते, उस पैसे को सेव करके रखते। सेकेंड मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो वो उन लोग वहाँ पर पैसे लगा सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है ऑब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते लेकिन हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला हम लोग का दिया चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिलेट टू गवर्नमेंट टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग पॉलिसी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एडॉप्टेड बाय द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम टेंड टू शिफ्ट कंजम्पशन अपवर्ड बाय ट्रांसफरिंग परचेसिंग पावर फ्रॉम द रिच टू द पुअर। सबसे पहले हमारी जो फैक्टर्स है वो हम लोग का है चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन रेट। सिंपल सा मतलब इसका यही है कि टैक्सेशन रेट, यानी आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो जो रिचर है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते, प्रेस्टिजियस गुड्स खरीदते, उनके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिया है ताकि उनका पैसा जो है वो टैक्सेशन में आ जाए, और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास पीपल है, उन लोग ये प्रेस्टिजियस गुड्स तो खरीदते नहीं है, इसकी वजह से उन लोग उसी सामान पर टैक्स रेट पे करते हैं जो उन लोग नॉर्मल रेगुलर में खरीदते, और वो टैक्स रेट जो है मैनुअली कम रहता है, मतलब अगर प्रेस्टिजियस से देखे जाएंगे तो काफ़ी कम रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इनकम गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो जो है डिफरेंस कम हो जाएगा। सेकंड विंडफॉल गेन और लॉसेस। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इनकम शिफ्ट्स कंजप्शन अपवर्ड वाइल अनएक्सपेक्टेड कट इन इनकम शिफ्ट शिफ्ट डाउनवर्ड। अगर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अचानक से तो क्या हो जाएगा, कंजप्शन अचानक से काफ़ी बढ़ जाएगा। डेफिनेटली किसी के पास ज़्यादा पैसा है, जैसे अभी तक हम लोग 10,000 कमा रहे, कल उठ के हम लोग को 1,00,000 रुपये मिलने लगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग के मन में लालच तो आएगी, हम कंजप्शन तो बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन अगर अचानक से ये पैसे डायरेक्टली गिर गए, यानी हम लोग का जो लॉस है वो डायरेक्ट नीचे आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनकम नीचे आ जाएगा, और इसकी वजह से हमारा कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है चेंज इन एक्सपेक्टेशन। चेंज इन इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ अ पर्सन ऑल्सो शिफ्ट कंजप्शन ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारा कंजप्शन भी जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। फोर्थ हम लोग का है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय रेजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज लाइकली टू इंक्रीज कंजप्शन। अ राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट में शिफ्ट कंजप्शन डाउनवर्ड बाय रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अगर इंटरेस्ट का रेट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस जो सिक्योरिटी की है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से लोगों की डिमांड किसके लिए ज़्यादा रहेगी, तो सिक्योरिटीज़ ज़्यादा खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन वही अगर दूसरे साइड हम लोग देखेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग का बढ़ गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। किसका कंजप्शन, सिक्योरिटी का कंजप्शन, और सिक्योरिटी का कंजप्शन अगर डाउनवर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे कंजप्शंस भी नीचे आने लग जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है चेंज इन वेज लेवल। इफ़ द वेज रेट इज इंक्रीज देर विल बी एन इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिकॉज वर्कर हैव हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन अदर वर्ड व्हेन वेज रेट इज इंक्रीज कंजप्शन बाय कंजप्शन कर्व शिफ्ट्स अप, बट इफ द राइज इन द वेज रेट इज फॉलो बाय मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस द रियल विल वेज विल बी फॉल। ओके दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, वेज रेट आपको काफ़ी अच्छे से पता है, वेज रेट का मतलब क्या होता है, तो जो नॉर्मल वर्कर्स पैसे कमाते हैं उसको हम लोग वेज रेट बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई वर्कर के पास इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, नॉर्मली वो सेव नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसको कंजप्शन के लिए यूज़ करेगा। तो यही बता रहा है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसका कंजप्शन भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ मार्केट प्राइस ऑफ बाकी सब सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो कंजप्शन बढ़ने की जगह पर घटने लग जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल क्लास पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, और आप वीट खरीद रहे हैं, ठीक है, अनाज खरीद रहे हैं कोई भी, तो आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, अनाज की क्वालिटी अच्छी लेने लग जाओगे। लेकिन
दूसरे साइड आपके इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरे साइड उस अनाज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप कंजप्शन करोगे? नहीं, आप वही वाला राइस जो है या वही वाला वीट जो है वो खरीदोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग का वेज रेट बढ़ रहा है तो कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट प्राइस उस कंजप्शन की इंक्रीज हो रही है यानी उस प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो कंजप्शन बढ़ने की जगह पर घटने लग जाएगा। ओके, सिक्स्थ हम लोग का दिया हुआ है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉरपोरेशन। इफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिटेन अ लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर बिजनेस एक्सपांशन, डिविडेंड इनकम ऑफ द शेयर होल्डर विल बी लो एंड कंजप्शन फंक्शन विल शिफ्ट डाउन। कन्वर्सली इफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिटेन अ स्मॉलर ऑफ प्रॉफिट कंजप्शन फंक्शन विल शट अप। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला और उस प्रॉफिट को उन्होंने वर्कर को ना देके क्या कर दिया, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या इनकम को डिवाइड करने के लिए उन्होंने बांट दिया, तो क्या हो जाएगा, उनके कंजप्शन फंक्शन कम हो जाएंगे। लेकिन वही अगर पैसे उन्होंने वर्कर्स को दे दिए तो उनका कंजप्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेवन्थ हम लोग को दिया है पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आप सभी को पता है कि हमारे सोसाइटी में या हमारे इंडिया में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। सबसे ज़्यादा पैसे कौन यूज़ करता है, तो रिच क्लास पीपल ही सबसे ज़्यादा पैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उनकी अगर पैसों में बढ़ोतरी हो गई तो क्या हो जाएगा, उनका कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ने लग जाएगा, यानी उन लोग बिन मतलब का खर्च करने लग जाएंगे। और जो मिडिल क्लास पीपल है उनके अगर कंजप्शन में इंक्रीमेंट आ गया तो उन लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा सेव करेंगे और कुछ पैसा कंजप्शन के लिए यूज करेंगे। एट हम लोग को दिया हुआ है अमाउंट ऑफ वेल्थ। अमाउंट ऑफ वेल्थ भी हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि कितना वेल्थ उस बंदे के पास रखा हुआ, यानी प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी के पास अगर घर होगा, खुद का घर होगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो भी पैसा बच रहा है वो कंजप्शन के लिए यूज़ करेगा। और अगर वो खुद का घर नहीं होगा, रेंट के बेस पे घर होगा, तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक कवर अप हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरीके से डियर मित्रों को लाइक करते रहिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ ऐसे अपडेट होते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।